युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले की पहल पर नवी मुंबई मनपा ने सिवूट सेक्टर 46 में नए हाई मस्त की स्थापना कर दी है। आज इसका लोकार्पण करते हुए युवा नेता दत्ता गंगाले और समाज सेविका अश्विनी गंगाले ने मनपा अभियंता और अधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारी और नागरिक भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। समाज की यहाँ पे जरूरत थी क्योंकि जो लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए अंधेरा यहाँ पे बनाया रहता था। यहाँ पर लाइट की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, कहीं पर वॉल टूटी है या किसी बिल्डिंग में क्रैक आ रखा है, मतलब हर जगह पे अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। सीवुड सेक्टर 46 के साई कृपा सोसाइटी और खेल मैदान चौक पर आज से अंधेरा खत्म हो गया है। नई हाई मास्ट की इस रोशनी से यह इलाका आज से जगमगाने लगा है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले और समाज सेविका अश्विनी गंगाले यहां हाई मास्ट की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले ने पदाधिकारियों और नागरिकों के साथ इसका पारंपरिक लोकार्पण किया। इस अवसर पर विकास नलावडे, कैलाश तरकसे एवं सुधीर जाधव भी मौजूद थे। फिलहाल सीवूट सेक्टर 46 के इस इलाके में हाई मास्ट लगाने से नागरिक खुश है और युवा नेता दत्ता गंगाले और समाज सेविका अश्विनी गंगाले के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। वहीं खुद युवा नेता दत्ता गंगाले ने मनपा अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यहां खेल मैदान और सोसाइटी चौक पर अंधेरे के कारण सुरक्षा का खतरा बना हुआ था, जो अब खत्म हो गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये सेक्टर 46 जो मैदान है, जहाँ पे आम नागरिक है, बच्चे हैं, यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, बच्चे बड़ी पैमाने पर यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। लेकिन इस मैदान में अंधेरा रहता था। इससे पहले भी 3 साल पहले आप जो देख रहे हैं, जो छोटे छोटे पोल है, वो हमने महापालिका से वारंवार उसके पीछे लगकर वो लगवा लिए थे। उसके बावजूद इसके एक हाई मास्ट की यहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि जो लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए अंधेरा यहाँ पे बनाया रहता था। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे बेंच भी बिठाए हैं। अपने इस सिवूड करावे प्रभाग क्रमांक 41 के अंडर कम से कम 100 के ऊपर बेंच हमने अपने खर्चे से बिठाए और महापालिका के माध्यम से हमने यहाँ पर ये लाइट की व्यवस्था आज हो चुकी। यहाँ के सभी जो सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी महिलाएं हैं, जो आप देख रहे हैं कि खेलने वाले बच्चे हैं, इनको जिसकी तकलीफ थी उसको वो सुलझाने का काम हमने किया। इस बात का हमें समाधान है। आज या ठिकाने महापालिकेच्या माध्यमातून हाई मास्ट लावण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी आधी पण लाइट्स होत्या, परंतु त्याचा उजेड कमी असल्यामुळे या ठिकाणी वॉकिंग करणारी लोक, ग्राउंडमध्ये खेळणारी मुले यांना त्याचा त्रास होऊ लागला, म्हणून त्यांनी आपल्याकडे ती मागणी केली। त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक यांची देखील मागणी होती, तर त्यांनी ती मागणी केली आणि आपण या ठिकाणी हायमास्ट पालिकेच्या माध्यमातून लावला। लाइट लगने से इतना बेनिफिट यहाँ पर है। सेक्टर ओल्ड 50, सेक्टर 48, सेक्टर 46 का ये पूरा एरिया, बस डिप यहाँ पर जो बस स्टॉप है, बस डिपो, NRI के लोग भी यहाँ से जो जाते हैं, तो एक कई मतलब ये चौक जो है ये कई 2-3 सेक्टर के बीच में भी है। और दूसरा क्या है कि बस डिपो के पास बहुत सारे लोग रात को जाते हैं, महिलाएं रात को जाती है, बुजुर्ग लोग जो कम जिनको कम दिखाई देता था, एक बेनिफिट होगा एक चौक पे, क्योंकि गाड़ियां इधर उधर अलग अलग दिशाओं से आती है, तो गाड़ियां आने के वजह से उन लोगों को दिखाई कम देता था। तो सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये है। माननीय दत्ता जी गंगाले जी का बहुत हम लोग धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा सेक्टर के कोई भी अच्छे कामों के लिए, जहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, कहीं पर वॉल टूटी है या किसी का बिल्डिंग में क्रैक आ रखा है, मतलब हर जगह पे अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और इस एक्टिविटी से लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर दत्ता जी गंगाले जी का हम सभी सेक्टरवासी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने हमारा ये लाइट करा के दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।